ये अभी कारी साहब को उठा रहे हैं खाना खा अब सही है ओके okay? चलो जी माशाल्लाह कुछ ज्यादा खा लिया था ना उठ नहीं रहे थे वो जान को भूख बहुत ज्यादा लगती है और इसी वजह से ना पहले पहले ही ले आया हूँ। मैंने कहा आ जाए आज मैं आपको मजेदार नाश्ता कराता हूँ। दोबारा भी मिल लेते हैं। ओके चले अबू जान चले घर चले आ जाए। हाँ जी इनको ले चलो और मैं ये सामान लेके आता हूँ ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर सारे स्टेप ओके हैं। अब ये देखें लास्ट में जो हमारे मिर्च वगैरह थे चटनी कूटने के लिए कारी साहब माशाल्लाह बैठ चुके हैं और अस्सलामुअलैकुम कर साहब वालेकुम लव यू मेरी जान लव यू हो गया आपको ठीक है आ जाएं जी बैठे तशरीफ रखें। अरे हटो यार रास्ता दो अभी खाना शुरू करने वाले हैं ना हम बनाते जाएंगे आपको दिखाते जाएंगे। यहाँ पर ऐसे हुनरमंद बंदे मौजूद है माशाल्लाह जी माशाल्लाह। चलो जी डाले माशाल्लाह ये जो कलर देगी ना यकीन जाने देखने में भी मजा खाने में भी मजा माशाल्लाह जी ये है भी स्पेशल। ये देखें जी हमारा देसी तरीका है डब्बा खोलने का भी माशाल्लाह माशाल्लाह जी। व्यूअर अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर कैसे हैं आप उम्मीद करता हूं सब ठीक होंगे जहां भी होंगे ऐसे मुस्कुराते होंगे मैं साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हो रहा हूं साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूं। आज के मेरा व्लॉग है यहीं से स्टार्ट हो रहा है तो अफजल भाई और गुलाम नबी भाई यहां पर अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं ठीक हैं। ये है गुलाम नबी भाई अफजल का छोटा भाई ये कहने आया था कि मेरे पास दावत क्यों नहीं खा रहे हो तो अफजल भाई बोल रहे हैं कि हम जा रहे हैं वापस क्योंकि अभी काम था फौतकी का जब घूमने फिरने आएंगे तो आपके घर में दावत ज़रूर खाएंगे ठीक है। हाँ अभी हम रवाना हो रहे हैं अफजल भाई को मैं छोड़ने जा रहा हूँ और अभी एक बड़ी खबर सुनाऊँ बिग न्यूज़ ये तौफीक नहीं है तौफीक ये भी जा रहा है उधर और वहाँ पर पबजी वाले बहुत परेशान हैं तो ये उनकी सपोर्ट करेगा पैकेज कुकज करके देगा तो माशाल्लाह जी ये भी जा रहा है और अफजल भाई का एक और बेटा है वो भी जा रहा है मदनी नहीं जा रहा है मक्की जा रहा है। और अभी क्या यार धुल गई ऐनक की धुलवाई किया मैंने आपने बताना यार वो कपड़ा लगाया फिर वही हाल का उस पहले से भी ज़्यादा ख़राब कर दिया चश्मा लग गया है जी माशाल्लाह। और अभी चलते हैं रवाना होते हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है क्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें उसके बाद मजेदार वीडियो की जाने लेट्स गो। प्यारे व्यूअर टाइम है बस का 8 बजे का मतलब 8 बजे वो पहुंच जाएगी चौक पर और अभी टाइम हो रहा है 7:56 4 मिनट हमारे पास बाकी हैं और मुझे नहीं लगता कि इस बस पर ये चढ़ पाएंगे 8:04 में कोई भी नहीं पहुँच सकता। तकरीबन 2 किलोमीटर का सफ़र है 2-3 किलोमीटर का सफ़र है और इतना सफ़र 2 मिनट में तय नहीं होता। ये अभी लेट करेंगे फिर इनको लेके जाना है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वापस लेके आना है और ये फिर जाएंगे अलीपुर से और इधर चलेंगे जतुई जतुई से जाएंगे अलीपुर अलीपुर से जाएंगे सीधा कानपुर की जानब क्योंकि इधर सुबह सुबह नहीं हो सकता और सूरज काफ़ी ऊपर आ चुका है और मेरे शहजादे ने भी आज तैयारी बनाई हुई है वापस जाने की तो इनसे थोड़ा पूछते हैं जी कि इनकी क्या सलाह है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कैसे हो तबीयत ठीक है अच्छा आप जा रहे हो कहाँ जा रहे हो किधर उधर खानपुर चलो ओके करो फिर ओके करो। प्यारे व्यूअर वो पौने पे चली गई है और ये बोल रहे हैं कि नहीं सवा पे आएगी अब देखते हैं कि सवा पे आती है क्योंकि 8 बजे हम पहुंच गए हैं 8 बज गई है अच्छा देखते हैं मेरे पास मोबाइल है पड़ा सर्दी माशाल्लाह इतना ज़्यादा नहीं है बस कप कपी लगती है 8:05 हो चुके हैं 10 मिनट बाकी हैं और दूसरी सवारी हमारी अभी तक नहीं पहुंची। चलो जी कोई नहीं अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। ये आप तो नहीं जा आप जा रहे हो वो यार आप भी जा रहे हो अच्छा चलो मैं उधर आ रहा हूँ मैं तेरी तबीयत सेट करूँगा मैं हूँ और मैं हूँ ना जो मैंने जाना है इस बाइक पे ठीक है तो अभी इनको पता है कि हम कितने टाइम में पहुँचे होंगे इधर उधर से इधर तक उधर से यार इधर से अभी अभी घर से इधर तक तकरीबन 5 मिनट में
5 मिनट लग गए होंगे, 5 मिनट तकरीबन लग गए। मेरे हिसाब से 5 मिनट में नहीं लगे क्योंकि थोड़ा टाइम लगा है, 2 मिनट लगे होंगे ना, 2 मिनट लगे होंगे, 1 मिनट लगा होगा। तकरीबन कुछ सेकंड में हम पहुंच चुके होंगे शायद, शायद यकीनी यकीनी के साथ मैं नहीं कह सकता। तो प्यारे व्यूअर अभी गाड़ी आती है, मैं आपको दिखाता हूँ अल फरीद। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर हमारी दूसरी सवारियाँ भी पहुँच चुकी है। ये देखे ये क्या, ये क्या आपकी बेगमात, वो यार ये देखे जी वो अंदर बने, ये अभी पहुंच। अच्छा वो और मोटरसाइकिल लेके आ रहे हैं। हाजी साहब भाई नारे मारता हुआ आ रहा है, वो देखे अपनी बेटी को लेकर। तो हम जो है ना अभी इंतजार में खड़े हैं, पेट्रोल डलवाने आया था। अच्छा हाँ, पेट्रोल भी डलवाएगा और फिर वापस जाएगा। अभी अभी मेरे दिल में ये वो बस तो चली गई यार, ये जा रही है सामने, देखो बस चली गई। आप क्या होगा, आप पैदल चले जाएंगे। वो मोटरसाइकिल कौन लेके जाएगा, मतनी। अच्छा मतनी, मतनी सरकार दिया परेशान हो गए, तो हम तो दोनों मोटरसाइकिल लेके जाना पड़ेगा। मैं सोच रहा था उधर है तो कोई नहीं, बस ये बस पे चले जाएंगे। हमारा हमारा इधर क्या होगा, अभी जैसे बस आती है टाइम तकरीबन पूरा हो चुका है। ये बोल रहे हैं 8:15 का, लेकिन ऐसा नहीं है, वो पौने पे चली गई है, 8:30। चल लो खड़े हैं, फिर आपको वापस भी लेके जाना है, देखते हैं जी क्या बनता है। व्यूअर 8:30 हो चुकी है और अभी तक कहीं से कोई शोंभू नहीं हुई है। तो जैसे कोई शोंभू होती है मैं आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह, लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि वो पौने पे चली गई। अभी तक देखे कोई भी नहीं आ रहा है, बस मोटरसाइकिल वाले आ रहे हैं, इधर से बस आएगी और इधर को बस जाएगी ऐसे, ठीक है। चलिए जी देखते हैं, ट्राई करते हैं, हमारे पास टाइम है बाकी 6 मिनट, ये अगर आई ठीक नहीं तो हम चलेंगे वापस, ठीक हो गया, वापस चलेंगे। ओके करो, ओके करो। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर गाड़ी आ चुकी है और अभी ये यार छत के ऊपर भी बैठे हुए हैं इतनी सर्दी में। सर्दी का है, सर्दी बहुत है। हाथ को मिलावे, एक किलो लियाकत पर कर में देना ना। चलो जी माशाल्लाह बस आ गई और अभी सवारियां हमारी बैठ रही हैं। एक मिनट आसरा, इधर एक किराना शॉप पे पहुंच चुके हैं माशाल्लाह। ये देखें बड़ी प्यारी और सुंदर सी हमारी दुकान है माशाल्लाह। तो इधर से हमने सिर्फ ओनली एक आइटम लेने वाला था, वो तो क्या बोलते हैं पैम्पर तो दे दे मीडियम साइज में, दो दे दे क्योंकि हमारी भी तैयारी है वापस जाने की, तो ये आइटम बहुत ज़रूरी है और हम फिर लेके चले जाएंगे। ये देखिए इस पे मैं और वो लड़का अभी तक खड़ा हुआ है, पता नहीं क्या पढ़ रहा है अंग्रेजी में। प्यारे व्यूअर अभी आप देख सकते हैं मेरा गेटअप चेंज हो चुका है और मैं जा रहा हूँ सिटी, क्योंकि अभी अभी मुझे खबर आई है खानपुर से कि अब्बू और अम्मी वो आ रहे हैं और उनको वहाँ पर आपने रिसीव करना है। और अभी चलते हैं सीधा सिटी की जानिब, टाइम बहुत हो गया है, मुझे लगता है वो तकरीबन पहुँच गए होंगे सुबह सुबह वाले टाइम जिस पे मैं आता हूँ ना 6 बजे वाला, उसी पे आते हैं। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, मेरा सफ़र है तो इंशाल्लाह पहुँच जाऊँ, और दुआ कीजिएगा कि अभी अब्बू अम्मी वाले भी सही सलामत पहुँच चुके हों, ठीक हो गया। चलते हैं फिर, बस स्टॉप पर मैं पहुँच चुका हूँ, ये देखें यहाँ पर अभी तक आए नहीं है मुझे लगता है, या आ गए होंगे तो कहीं पर चले गए होंगे, लेकिन वेट कर रहे हैं, हो सकता है कि नेक्स्ट आने वाली हाईएस्ट पे वो मौजूद हो, ठीक है वेट कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर अम्मी और अब्बू पहुँच गए थे, अभी यहाँ पर हमने नाश्ता तैयार लिया है कर रही हैं क्योंकि अब्बू जान को भूख बहुत ज़्यादा लगती है और इसी वजह से ना पहले पहले इन्हें ले आया हूँ, मैंने कहा आ जाए आज मैं आपको मज़ेदार नाश्ता कराता हूँ,
ये देखें चिड़े कुएं की तरह है जी हलीम, और साथ में है जी नान। ठीक है, तो माशाल्लाह खा भी रहे हैं। सफर चंगा गुजर गया? माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर गया सफर। और लबैक वाले खिड़ गए हैं और कॉपीराइट का खतरा हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह वीवर पहुंच चुके हैं घर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक हो? तभी से ठीक है। मिल लिया? हाँ जी मिल लिया। दोबारा मिल लो ना। हाँ जी दोबारा भी मिल लेते हैं। ओके चले अबू जान, चले घर चले। आ जाए। हाँ जी इनको ले चलो और मैं ये सामान लेके आता हूँ। ठीक है प्यारे व्यूअर, अभी नीचे उतारते हैं सामान वगैरह और फिर चलते हैं घर। माशाल्लाह माशाल्लाह आ जाओ। चले जी ये हो गया। ओके अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सारे ठीक हो? चलें जी सारे ठीक है माशाल्लाह और हम भी ठीक है। कोट देखे मेरा कैसा है, सही है या गलत है? मुझे लगता है कि गलत है। चलो जी माशाल्लाह पहुंच चुके हैं। ये लें जी। बाकी ये मार्का किधर गया? बाकी वो खोरी लेने जिस पे रोटी बनाते हैं पत्री कबाद वाली, वो लेने गए। अच्छा थोरी लेने। ठीक है जी। इतनी सारी लकड़ियां पड़ी हैं ये देखें, इतनी सारी ये देखें स्टॉक पड़ा है। और फिर भी इस्तेमाल करता है। चलो अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। चलें जी मेहमान पहुंचा दिए हैं मैंने। नाश्ता इन्होंने थोड़ा थोड़ा किया है लेकिन चाय वगैरह कोई बाकी जो गरम गरम चीज़ें हैं वो खिलाएं पिलाएं और मैं फिर जा रहा हूँ। ठीक है हाँ फिर हम नहीं करेंगे नाश्ता? नहीं मैंने नाश्ता दो बार कर लिया है, एक बार अकेले में एक बार अम्मी अब्बू के साथ। मुझे बोला 6 बजे वाले टाइम पे चढ़ गए हैं, मैंने कहा 8, 8:30, 9 बजे पहुंच जाएंगे। मैं इधर पहुंच गया 8, 8:30 बजे, ये आया 10, 11 बजे। अभी टाइम क्या हुआ है, तकरीबन 11:30 होगी, 11:40 हो गए हैं, इतना लेट आए हैं। चलो कोई नहीं पहुंच गए हैं, बस अल्लाह पाक सलाम सही सलामत ले आया है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम चलते हैं वापस। और आज का जो मौसम है ये देखें, काले काले चिट्टे चिट्टे बदल भी हैं, थोड़ा थोड़ा सूरज भी है माशाल्लाह। इधर का ये कुछ माहौल है और हम भी चलते हैं, देखते हैं। आज की हमारी तैयारी थी लेकिन सलाह सलूक करेंगे उसके बाद फिर देखेंगे क्या करें। अलीपुर खानपुर वापस जाने का प्रोग्राम बिल्कुल कैंसिल हो चुका है और अभी जुमा नमाज का टाइम है। सामने मस्जिद है वो देखें, उधर चलते हैं जुमा नमाज अदा करते हैं। और कल यहाँ पर खैरात का प्रोग्राम बनाया हुआ है जो फौतगी हो गई थी उसी की, तो कल वो इंशाल्लाह अटेंड करेंगे। उसके बाद फिर कल सोचेंगे कि क्या करना है, वापस जाना है कि नहीं जाना। ये जी खूबसूरत तरीन सा विलेज। ओके और कोटला रहम अली शाह वाली मस्जिद अभी नज़र नहीं आ रही है क्योंकि थोड़ा थोड़ा धुआं है, बाकी माहौल ओके है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वीवर जुमा नमाज अदा कर ली है और अभी मौसम वैसे का वैसा है जैसे सुबह का था। बिल्कुल ये बहारें हैं जी थोड़ी थोड़ी करके, ये देखें माशाल्लाह माहौल ओके है। तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये जो हवा चलती है जब आप ग्रीन ग्रीन जगह पर जाती हैं, ऐसे हवा का लहराना फसलों में इस कदर प्यारा लगता है ना, मज़ा आ जाता है यकीन करें। ऐसे ये बहारें हैं ना ये वाली, ये देखें ये तो कम है हमारे इलाके में, उधर बहुत ज़्यादा है लेकिन ये फिज़ा बिल्कुल ग्रीन है, ये देखें सारा इलाका माशाल्लाह। प्यारा व्यूअर जैसे ही नमाज पढ़ के अल्लाह पाक ने ऐसी सुनी है ना, यकीन करें कि दिल खुश हो चुका है। उसका रीज़न ये है कि आसिफ भाई ये देखें बाइक ले आए हैं, तो कहाँ जाना है? आपकी खिदमत करने मेरी हो रही है जनाब खिदमत, तो इससे लकी किस्मत और क्या होगी। आ जाए अरशाद भाई चले। हाँ देखते हैं, आज बोल रहे हैं कि आपकी खिदमत हो रही है, कोई मालशी वगैरह बैठा है क्या है, देखते हैं माहौल को। दोस्तों के पास लेके जा रहा हूँ। अच्छा 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 खाने की है, खाने की खिदमत हो रही है।
फिर तो सही है माशाल्लाह। असल ये है दरअसल कि हमने सोचा कि यार चलो दो चार दिन आया है बंदा जो अच्छा खाना खा जाए, दुआ तो करेगा ना। इंशाल्लाह जरूर करूंगा, दुआएं तो अंबार लगा दूंगा। चले यार, हम सारा बार बार आते हो। हाँ। तो हमारा कजन है जब्बार, अब्दुल जब्बार। हाँ। वो हर बार कहता है मोहिउद्दीन को यार खाना खिलाना था, दावा देनी थी, क्या मैं चला जाता हूँ। हाँ। अच्छा सही। तो इस बार मैंने कहा कि वो अभी आज जा रहा है, लेकिन इसको रोकता हूँ, अगर रुक गया तो। अच्छा, आप प्रोग्राम गुजरती कैंसिल हुआ है। चले जी, मेहरबानी, टैट हो गया है। चलें फिर आगे बढ़े, हम तुम्हारे साथ हैं। प्यारे व्यूअर, अभी जहां पर हम जा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं, और जिस भाई ने खिदमत में पहला कदम उठाया है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। वो गाजी दिखाता हूं आपको। हां, वो गाजी जो है ना, मैं आपको दिखाता हूं। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह जी, वो बड़े माल, वाह जी वाह। अल्लाह पाक ऐसे बंदे जैसे जैसे बनाता जाता है ना, मुझे बहुत प्यार आता जाता है। अस्सलाम वालेकुम कर सर, लव यू मेरी जान, लव यू हो गया आपको। ठीक है, आ जाएं जी, बैठे तशरीफ रखे। आजा हटो यार, रास्ता दो, आओ जाओ कर साहब। आए आए कर साहब, ये शैम्पू की पत्तियां शैम्पू नहीं है यार, नमक है, नमक है। ये बरतने वालों साबुन ले आया है ना। हाँ सही है, ये बेहतरीन है, मैं इसे इस्तेमाल नहीं करूँगा। माशाल्लाह जी, मैंने बर्तन नहीं धोने भाई। गाजर भी है, मूली भी है, खीरा भी है। अच्छा, मतलब यहाँ पर सारा वो वांडा सिस्टम बनाना है। अच्छा माशाल्लाह, चले जी, ओके हो गया जी। प्यारे व्यूअर माशाल्लाह, हमारे खाने पीने का जो भी सेटअप था ये देखें आ चुका है माशाल्लाह। लव यू मेरी जान। और ये देखें अभी खाना शुरू करने वाले हैं ना, हम बनाते जाएंगे, आपको दिखाते जाएंगे। यहाँ पर ऐसे हुनरमंद बंदे मौजूद हैं खाना बनाने वाले ना, जिनको देख के दिल खुश हो जाता है। और हमारा ऑलरेडी चूल्हा यहाँ पर मौजूद है यार, है ये देखें। हाँ जी जबरदस्त, आप शुरू कर रहे हैं, चलो ओके करते हैं, ओके करते हैं। प्यारे व्यूअर, काम बांट दिए गए हैं। ये देखें आसिफ भाई के जिम्मे लगा है कि आप जंगल में से ना लकड़ियां तलाश करेंगे। ये देखें ये लकड़ियां तलाश कर रहे हैं माशाल्लाह, जबरदस्त जी जबरदस्त। और एक और भाई है जिसके जिम्मे काम लगा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले ये पिपल देखें, बड़ी प्यारी और कुछ ओल्ड सी लग रही है, बड़ा प्यारा दरख्त लग रहा है। ये हमारे जब्बार भाई माशाल्लाह, आप बर्तन धो रहे हो। हाँ हिम्मत करें, थोड़ा हिम्मत है, कॉल आ रही है, मैं सुन लूँ फिर आपसे बात करता हूँ। ठीक हो गया व्यूअर, अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर। ये देखिए, ये हमने खुद इनको जोड़ लिया है, और अब ये इनकी कटवट होगी। और माशाल्लाह जब्बार भाई ने रिश्तेदारों को भी धो डाला, और साथ में गाजर वगैरह भी आ गई, खीरे वगैरह भी आ गए। माहौल हमारे पास ओके है, बस प्याज की थोड़ी कमी है, अगर किसी के पास हो तो जल्दी जल्दी भेजें, नहीं तो हमारे कारी साहब गए हुए हैं लेने। एक पाव प्याज ज्यादा नहीं, एक पाव भेज दें वो बहुत है। जा रहे हो लेने, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर, सारे स्टेप ओके हैं। आप ये देखें लास्ट में जो हमारे मिर्च वगैरह थी चटनी कूटने के लिए, कारी साहब माशाल्लाह बैठ चुके हैं। और अदरक, अदरक कूट रहे हो, चलो जी अदरक कूट रहे हैं माशाल्लाह। मोहिउद्दीन ये कौन सा स्टेप है लास्ट? चटनी कूट, चटनी कूटनी, डॉगी स्टेप, डॉगी स्टेप यार, तमीज सीखो। ये है चटनी कूट। ये बाकी मटेरियल देखें जी, हमारा ओके है सारा कुछ, बस अब आग जलानी है। आग जलाने के बाद अपना काउंटडाउन शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर, ये देखें माशाल्लाह हमारा घी भी ऐड किया जा रहा है। चलो यार डालो, डालो। घी वीट रहे हैं। हाँ जी, ये देखें पतीला सीधा करो यार, करी जी जी। क्या कर रहे हो यार, सही करो ना माशाल्लाह जी। ये डाल दिया गया है, अब लगाएंगे अच्छे से इसको तड़का। और मिसाला जात वगैरह अभी तक हाजिर नजर नहीं हुए, फिर हमने प्याज ऐड करने, प्याज ब्राउन कर रहे हैं, ब्राउन होने के बाद फिर इंशाल्लाह हमने इसमें अदरक लहसुन डाल के मुर्गी डालनी है। वो भी कौन सी मुर्गी है पता है? देसी मुर्गी, देसी मुर्गी, असील मुर्गी। माशाल्लाह अब घी को तड़का लग चुका है, और अभी हम इसमें प्याज ऐड कर रहे हैं। चलो जी कर सर, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, सदके सदके खुशबू ऐसे आ रही है जैसे प्याज की हो। हाँ जी इंशाल्लाह भी और मटेरियल डालेंगे तो फिर मजा ही और आएगा। अर्शाद भाई फूक फूक के ना वो गाली फूके हुए हैं। माशाल्लाह जी हमारा जो प्याज है वो काफी ब्राउन ब्राउन पकौड़ी की शक्ल का हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं अदरक का, अदरक और लहसुन का पेस्ट।
आप हाथ में ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारा तो देसी मुर्गा है, फिर टाइम लगता है, कुछ ज़्यादा चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सदके सदके। ये जो आसिफ भाई हैं और ये जो हमारे कारी साहब हैं, इन दोनों की मेहनत इंशाल्लाह रंग ले आएगी माशाल्लाह भी। और जब्बार भाई भी खिदमत में पेश नज़र आ रहे हैं, और धुलाई का जितना भी काम था इन्होंने सारा अंजाम दिया है। और इसके बाद यार वो चिकन किधर गया? चिकन धुलने गया है, आप जाए उसको दिखाऊं कैसे नहा रहा है। सर्दी है ना, इधर आ जाएगा नहा धोके फिर देख लेंगे। हाँ सही हो गया। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये भी सामान ले आए हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया जी। कारी साहब ये डालना है, पहले चिकन आएगा वो? यार ये तो ऐड करो, ये जो बेचारे बैठे हैं। अलग किस्म की डिश बननी है। अच्छा अच्छा, ये दूसरा तरीका है, जेनवन तरीका है। ये औरतों वाला सिस्टम नहीं है, ये मर्द वाला है। जापानी है ये, जापानी। टमाटर बाद में डालेंगे। चलें जी देखते हैं, इसको नीचे उतार रहे हैं जी। मुर्गी लेट हो गई, हम इसको उतार के रख रहे हैं ताकि हमारा मसाला जल न जाए। हाँ सही हो गया। चलें जी उतार दें, उतार दें इसको। ये कोरमा, ये बाद में ऐड होते हैं, ये बाद में ऐड होते हैं, ये बाद में ऐड होते हैं। और अभी कोई नहीं, देखते हैं जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा हम करते जाएंगे। ओके प्यारे व्यूअर, ये देखें ऐसे हमने बना दिए हैं प्याज को जला जुलू के ना, बड़ा जबरदस्त बना दिया है माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखें हमारा चिकन भी आ चुका है, और इसमें येला येला क्या है यार? ये येला येला इसकी चर्बी है। चर्बी होती है देसी में? अच्छा पहली बार मुहैयद्दीन खा रहा है ना, पता नहीं है। ओ शुकाटे माशाल्लाह, ओके बेरे, और इसे क्या बोलते हैं, लेग पीस। लेग पीस, हाँ जी। और ये एग पीस, कलेजी को छोड़ो यार, कलेजी को छोड़ो छोड़ो, इसका कलेजा जो है ना थोड़ा गला हुआ था। और कलेजी जली हुई थी बेचारा, मुझे लगता है कि ये किसी के साथ थी। माशाल्लाह जी हमारा चिकन, उसको फ्राई हमने कर लिया है, अब इसमें मसाले ज़्यादा ऐड किए जा रहे हैं, और अच्छे से इसको धम्मा लगा दो जी। ज़बरदस्त, ये देखें माशाल्लाह माहौल, ये देखें कैसा बन गया है। वाह जी वाह। अब दही की बारी है, दो यार ज़्यादा नहीं डालो यार, इसमें पानी ऐड कर दो ना पूरी हो जाएगी। ये खालिस दही नहीं नहीं करो यार, उधर टेस्ट खराब हो जाएगा। दही हम लेके जा रहे हैं जी, और ये लें जी दही, ये अभी ऐड करनी है क्या? चलो कर दे माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई कर दे, वो बचा के वो रहते हुए के लिए हो गई है। हाँ वो हो गई है, बस सारी डाल दो। माशाल्लाह ये बन गई है प्योर, क्या बोलते हैं, प्योर देसी चिकन, वाइट कढ़ाई। कोई नहीं, जो भी है हमको जैसे आता है हम वैसे बोलते हैं है। यार इसमें ये क्या है, ये बड़े वाला कौन सा, ये पुर्जा? हाँ ये वाला जो लेग है, है। ये लेग है, लेग मुर्गे की टांग। चलो जी ओके हो गया, जबरदस्त हो गया। कभी ये चला करता था, आज हमने फनाई कर दी बेचारे की। चलो अल्लाह पाक करम करेगा, अब जी प्रोसेस हमारा नज़दीक है बिल्कुल, बस एक घंटे में तैयार। प्यारे व्यूअर सारे प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं, हर बंदे ने अपनी अपनी बारी लगा ली, अब मेरी बारी है। ये देखें इसकी शक्ल मुबारक ऐसे बन गई है, अरे धुआं भी अब नहीं है ना, बायल हो रहा है जैसे गुड़ तैयार हो रहा है। माशाल्लाह आसिफ भाई ये देखें, इन्होंने अपनी खिदमत जारी रखे हुए हैं, सलाद बना रहे हैं, गाजर का बना दिया। कोई फोन आया हुआ, फिर बात करते हैं। हल्दी हमारी तैयार, चलो जी डालें। माशाल्लाह ये जो कलर देगी ना, यकीन जाने देखने में भी मजा, खाने में भी मजा। ये रिश्तेदार डाल दिए थे जी? जी बिल्कुल, बताया नहीं था यार, जुल्म है रिश्तेदारों के लिए, तो मैं ठरता हूँ। अब जी हमारे सालन को हो गया पीलिया। क्या हो गया? पीलिया हो गया, हमने डाल दी हल्दी। हाँ
अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर बैठ गए हैं वेटिंग पे और हमारे मिसाल जात वैसे भी रेड रखे हैं, ये मिसाल जात बोल रहा हूँ, सलाद मूली और नींबू गाजर और खीरा, ये है जी सारा माहौल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा खाना तैयार है मतलब सालन। ये माशाल्लाह ये देखें जी बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। चल यार हलाओ इसको थोड़ा। हाँ एवन, ये देसी जो कुक होता है ना देसी, ये बड़ा जालिम होता है यार। ये मुर्गी का दूसरी टांग कहाँ गई है? वो खा गए थे। चले कोई नहीं जी, आप कोशिश करते हैं खाने की। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर, अब सेटिंग शूटिंग करते हैं, कहीं पर बैठने की जगह का तयन करेंगे जहाँ पर हम इजीली बैठ के सुकून के साथ खा सकें। और ये सारे दोस्त अहबाब जो है ना इसी इंतजार में बैठे हैं कि कहाँ पर सिलेक्शन होगी इंशाल्लाह। सब ने अपनी सोच लगाई है कि अब क्या सेटिंग की जाए, मतलब खाना कहाँ बैठ के खाया जाए, क्या किया जाए, इसी वजह से ना। हाँ भाई, कहाँ बैठने की तैयारी है, कैसे खाएंगे? सब परेशान है, इसका सलूशन मैं ही बताऊंगा, एक मिनट मैं अभी आ जाऊँ। जल्दी आओ, देखते हैं इसके पास क्या सलूशन है, चेक चुक करते हैं। अभी रोटी का अभी ऑर्डर देना है। चलो सही हो गया, ताजी ताजी आएगी ना, फिर सही है गर्म गर्म। माशाल्लाह ये क्या लेके आ रहे हो यार बोरे में? ये हर किसी का एक एक को दस खान में दूंगा। वो खैर जिंदाबाद, इसे बोलते हैं पूरी अक्ल वाला इंसान, आई मीन तेज अक्ल वाला इंसान, ठीक है। इस चीज का वो पैसे मुझे आएंगे, अवार्ड जो है ना वो आपको आएगा, पैसे नहीं आएंगे। क्रेडिट पैसे को कहते हैं ना? नहीं, उसको क्रेडिट नहीं कहते, करप्शन कहते हैं पैसे को। आप क्रेडिट करप्शन नहीं कहते, गैबी इमदाद कहते हैं। गैबी इमदाद मैंने सुना हुआ है थोड़ा थोड़ा, मुझको मिलेगी। हाँ आपको मिलेगी गैबी इमदाद, आ जाए आप इसकी सेटिंग सुटिंग करें। मुझे नहीं मिलेगी सेटिंग सुटिंग, मौलाना साहब भी मौजूद है माशाल्लाह, इनको मिलेगी ताबेदार जी। वेलकम। चलो यार माशाल्लाह जी माशाल्लाह, रोटी आ गई है भाई माशाल्लाह जबरदस्त, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो खिदमत तेजी आ गई है माशाल्लाह, खिदमत में कुछ उधर लगे हुए हैं, कुछ माशाल्लाह इधर लगे हुए हैं। दस्तरखान लगा रहा हूं। हाँ लगाओ लगाओ, मेंट ऑफ लक, जल्दी करो। ऊपर नहीं यार, ऊपर नहीं आएगा माहौल, नीचे बैठेंगे ना वो अलग माहौल होता है माशाल्लाह। उधर आग किसने लगा दी? ये देखे हमारी सेटिंग सुटिंग कम्प्लीट हो चुकी है और कारी साहब है ना वो बांटेंगे भी और देंगे भी, बैठेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी चले चले, कोई नहीं, अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। चले जी बैठे 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 जी बैठ गए जी। मेरी चादर को खराब करने का सोच रहे हैं। अच्छा, नमाज के लिए तो मैंने कहा सवाब मिलेगा, इसमें सवाब मिलने वाला कोई बात नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं दूंगा। ये जो खाएगा पछताएगा, जो नहीं खाएगा पछताएगा। माशाल्लाह जी जबरदस्त A1 माहौल हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह जी खाना आ चुका है और साथ में सलाद वगैरह भी हमने सारा रख दिया है। अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाल्लाह माहौल बनेगा बड़ा जबरदस्त। और खाना शुरू कर दिया है या कोई दुआ वगैरह है? बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाहिम। चलें जी माशाल्लाह खाएं। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर, खाना हमने खा लिया है माशाल्लाह, बर्तन फ्री पड़े हैं। और आसिफ भाई क्या लेके आ रहे हो लाला? ये आपके लिए ना थोड़े मुंह मीठा करवाना है, इसलिए अच्छा चाय भी पिलानी है आपको। ये दूध है? ये दूध है माशाल्लाह। और ये आपको दिखाने वाला हूँ, जल्दी करो यार माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत 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 मुबारक, इधर मुझे दे दो, मुझे आता है खोलना। माशाल्लाह जी मिठाई भी आ गई, और ये जो मिठाई आ रही है इधर वो सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि भाई साहब ने ली है कार, वो सामने खड़ी है ठीक है, गाड़ी की खुशी में ना वो मिठाई खिला रहे हैं। यार इधर रखो, इधर इधर रखो, चाबी मारो सेटिंग। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये देखे माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार अल्लाह तेरा आसरा, ऐसा जाट भूत है, इसको मिठाई का डब्बा खोलना नहीं आता। जिंदगी में पहली बार खा रहा हूँ ना चल कोई ना, कॉल
आगे इसका लॉक कहाँ पे यार, ऐसे हाथ टपा के पार दो बस। माशाल्लाह जी, ये है भी स्पेशल। ये देखें जी, हमारा देसी तरीका है डब्बा खोलने का भी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी व्यूअर, ये देखें कितना प्यारी प्यारी मिठाई आ गई है। ये देखें, अभी मैं आपको खा के दिखाता हूँ। बहुत मीठी है माशाल्लाह, बहुत मीठी है। फोकस करो कैमरामैन। इंसाफ इसे बोलते हैं माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। कैमरामैन फोकस करो, काले वाला मेरे लिए भी रखना है। चल उठा ले यार, उठा ले उठा ले। ये भी कारी साहब को उठा रहे खाना खा। अब सही है, ओके है। चलो जी माशाल्लाह, कुछ ज्यादा खा लिया था ना, उठ नहीं रहे थे। ऐसे भाई माशाल्लाह चाय पीने पे लगे हुए, ओ बनाने पे लगे हुए हैं। ऐसे भाई ये इसका तजर्बा है ना आपको? नहीं तजर्बा नहीं, तजर्बा नहीं है नहीं। तो फिर अजाब बन जाएगा यार, कारी को दो। चले कोई नहीं, थोड़ा इसको नीचे जाने दो। कैसे? इसको नीचे ये हटा दो, ये मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, इसको नीचे जाने दो। हाँ अब सही है, ओके करो, ओके करो। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर, ये देखे माशाल्लाह से भाई ने चाय ऐसी तैयार कर ली है ना, इसमें ना गुड़ भी ऐड किया है और चीनी भी। अच्छा, गुड़ चीनी वाली चाय है। सारा माहौल ओके हो गया। इसका क्या फायदा है? इसका जो है ना, बंदा की गैरत जाग जाती है। अच्छा, प्यारे व्यूअर अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम में चाय मिल चुकी है हमें, ये देखें। और आसिफ भाई की बहुत ज्यादा मेहनत है, इसको कांग्रेचुलेशन कहते हैं जी, मुबारकबाद देते हैं। और उसके बाद चाय लेते हैं और पीते हैं माशाल्लाह, ठीक है। यकीन करें बहुत अच्छी बनी हुई है। चाय कैसी है भाई? मजाक अपनी जगह पे, लेकिन चाय माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत अच्छी बनी हुई है। हाँ जी, फिर मुझे कोई यूके में ना बुलाए, यूके में नहीं बुलाएगा, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अरे भी बार इधर देखे माशाल्लाह, ये इसे क्या बोलते हैं, कौन सा ये वैरायटी है? इसको त्रिकंड बोलते हैं, त्रिकंड, त्रिकंड खग्गा। हाँ उर्दू में त्रिकंड, त्रिकंड ये है जी, तिलकंड, तिलकिनी होती है ना, इसको तिलकंड बोलते हैं, इसको गुड्डू भी कह सकते हैं। और ये देखे, ये जिंदा है क्या? नहीं, मूछ है इसका, एतवार नहीं, जिंदा भी हो सकता है। कौन सा होता है आसे भाई ले रहे हैं माशाल्लाह, जैसे ये ले लेते हैं तो फिर लेके चलेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह।